हर लड़की अपने बालों को सुंदर दिखाना चाहती है। सब चाहते हैं कि उनके बाल लंबे, सिल्की, साइनी और स्मूथ हों। लेकिन अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हैं तो आप कितना भी ट्राई कर लो, कितनी भी होम रेमेडीज, DIYs, कितने भी प्रोडक्ट्स आप अप्लाई कर लो, आपके बाल सिल्की स्मूथ नहीं दिखेंगे। आपके बाल डल, अनहेल्दी एंड फ्रिजी दिखेंगे। और बात सिर्फ दिखने की नहीं है, अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स है देन आपकी हेयर ग्रोथ एक सर्टेन लेंथ पर आकर रुक जाएगी, वहाँ से आपके बाल बढ़ेंगे ही नहीं, चाहे आप कितना भी उनको बढ़ाने की कोशिश करो, प्रोडक्ट्स अप्लाई करो, DIYs करो, होम रेमेडीज लगाओ, कुछ भी आपके बालों पर वर्क नहीं करेगा। इसके साथ ही आपके बाल आसानी से कहीं से भी आप उनको जब इस तरह से करोगे वो टूट जाएंगे, मतलब आपके बाल इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनमें हेयर ब्रेकेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके बाल टूटने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, जिससे आपके हेयर थिन हो जाते हैं, आपको पतले बालों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो आपको देखने को मिलते हैं अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें उस प्रॉब्लम के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये स्प्लिट एंड्स होते क्या हैं। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो स्प्लिट एंड्स होता क्या है कि हमारे जो ये हेयर होते हैं, तो हमारे हेयर का जो सिंगल स्ट्रैंड है, हमारे बालों का जो ये सिंगल स्ट्रैंड है, जब ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, दो पार्ट में अलग अलग बट जाता है, यानी कि हमारे एक बाल के दो मुंह या फिर दो से ज़्यादा मुंह हो जाते हैं, तो हम इनको स्प्लिट एंड्स कहते हैं, यानी कि हमारे बालों के एंड का स्प्लिट हो जाना। स्प्लिट एंड्स आपको मेनली बालों के एंड्स पर देखने को मिलेगा। अगर आप अपने बालों के एंड्स पर चेक करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे बाल दिखेंगे, अगर आपके बाल डैमेज्ड है तो, अगर आपके बाल अनहेल्दी हैं तो आप देखोगे कि आपके एंड्स पे जो हेयर हैं उनमें ये जो एक बाल है ये स्प्लिट होकर यहाँ पर एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, इस तरह से आपको स्प्लिट एंड्स दिख जाएंगे। बट एक्चुअली ये आपको हेयर स्ट्रैंड में कहीं भी हो सकता है, आपको ये प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ तक कहीं भी देखने को मिल सकती है, बट जनरली ज़्यादातर ये आपको एंड्स पर ही देखने को मिलती है, क्योंकि बालों का ये जो एंड होता है ये सबसे ओल्डेस्ट सेल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आई एम श्योर आप अब तक समझ गए होंगे कि स्प्लिट एंड्स होता क्या है, किस चीज़ को हम स्प्लिट एंड्स कहते हैं, और हम अपने बालों में कैसे पहचान करें कि हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स है या नहीं। तो बालों में थोड़े बहुत स्प्लिट एंड्स होना नॉर्मल है, अगर आपके बालों में दो चार बाल हैं जो स्प्लिट हो गए हैं तो ये नॉर्मल है, बट आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको आपको ठीक करने के बारे में सोचना है। लेकिन अगर आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा स्प्लिट एंड्स दिख रहे हैं आपको, आपके बालों में पूरे बाल जो है लगभग वो स्प्लिट हो गए हैं, दो मुहे हो गए हैं, तो आपको इसके बारे में सोचना होगा, जल्दी से जल्दी सोचना होगा, वरना आपके बाल पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे। बालों में ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हैं इसका मतलब यह है कि आपके बाल पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, वो पूरी तरह से अनहेल्दी हैं, अब आप उनमें कोई भी न्यूट्रिशन दो वो यहाँ तक नहीं पहुँचने वाला। तो आप सभी यही सोच रहे होंगे कि बालों में आके स्प्लिट एंड्स आ कैसे जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, तो इसके पीछे हमारी जो बैड हैबिट्स होती हैं, हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं केयरलेस लाइफ की, वो इसके पीछे का जिम्मेदार है, जो आपके बालों को डैमेज कर देता है, और वही बाल डैमेज होकर स्प्लिट हो जाते हैं। तो इन स्प्लिट एंड्स को नेग्लेक्ट करना, आपके बालों के प्रॉपर केयर को नेग्लेक्ट करना, आपके बालों को हद से ज़्यादा कमज़ोर बना देता है, जिससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगते हैं, आपके बाल कहीं से भी टूटने लगते हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ रुक जाती है, एक सर्टेन लेंथ पर आकर आपके बालों की ग्रोथ आप देखते हो कि वो रुक जाती है। आपने देखा होगा कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी बाल जो है वो एक सर्टेन लेंथ पर आकर बढ़ जाते हैं और फिर वहाँ से बढ़ना बंद हो जाते हैं, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, कितनी भी कोई भी चीज़ लगा लो, आपके बाल वहाँ से बढ़ते ही नहीं है, थोड़े बहुत बढ़ भी गए तो एकदम डैमेज, फ्रीजी, रफ, अजीब ही दिखते हैं वो। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का रीजन बस स्प्लिट एंड्स है, आपके बालों में अगर स्प्लिट एंड्स हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को भी मिल रही होंगी। बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे हेयर फॉल इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, हम कोई भी होम रेमेडीज़ अप्लाई करते हैं, हम कितना भी हेयर ऑयल लगाते हैं, हमारे बाल नहीं बढ़ते हैं, हमारे बालों का झड़ना नहीं रुकता है। तो इसके पीछे का एक मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके बालों में स्प्लिट एंड्स है, आपके बाल दो मुहे हो गए हैं, जिसके वजह से आपके बालों में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है, आपके बाल ऑलरेडी डैमेज्ड हैं, तो इसके वजह से कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इन स्प्लिट एंड्स से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे इनको अपने बालों में होने से रोका जाए।
रोकने के उपाय जानने से पहले एक चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बालों में हो कैसे रहा है, आपकी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपके बालों को इतना डैमेज कर रही है जिसके वजह से आपके बालों में स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इन गलतियों के बारे में जानना है एंड देन आपको इन गलतियों पे काम करनी है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी से बालों को वॉश करते हो, बालों को धोते हो, तो इसके वजह से भी बालों में स्प्लिट एंड्स हो जाती हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने बालों को धोने के लिए हमेशा हल्के गर्म पानी का यूज करना है, ल्यूक वार्म वाटर का यूज करना है। और एक चीज़ आपको और करनी है कि बालों को भले ही आप गर्म पानी से धो रहे हो, लेकिन लास्ट में जो आप पानी अपने बालों पे डालोगे, सबसे लास्ट में हम जो पानी अपने बालों पे डालते हैं वॉश करने के बाद, वो ठंडा होना चाहिए। इससे आपके बालों को ज़्यादा हार्म नहीं होगा। दूसरी गलती आप क्या करते हो कि आप जब बाल धोकर आते हो, आपके बाल जब भीगे होते हैं, तो आप कोई भी हैवी टॉवल लेकर उनको इस तरह से लपेटकर उनको छोड़ देते हो बहुत टाइम तक। लोग एक दो घंटे तक छोड़ देते हैं ताकि बाल हल्का सा ड्राई हो जाए, पानी उसका निकल जाए। तो ये गलती बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकती है आपके बालों को, ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज करके उनमें स्प्लिट एंड्स ला सकती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको हैवी टॉवल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी कॉटन टॉवल जो बहुत ही पतला आता है, जिसको हमारे तरफ गमछा कहते हैं, आप उसका यूज कर सकते हो, या फिर कॉटन टी शर्ट जो होते हैं आप उनका यूज कर सकते हो। तो आप हमेशा कॉटन चीज़ों का यूज करो, कॉटन कपड़े का यूज़ करो, हैवी टॉवल्स का यूज मत करो। और आप जो उसको बांधते हो तो वो हल्का लूज होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि वो टाइटली ना बंधा हुआ हो, हल्का लूज हो, और ज़्यादा टाइम तक भी आप उसको नहीं छोड़ो। आप 10 से 15 मिनट तक बालों में लगाओ और फिर उसके बाद उसको हटा दो। तो हम अपने बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर्स का यूज करते हैं, अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए हेयर स्ट्रेटनर का यूज करते हैं, अपने बालों को कर्ल करने के लिए कर्लर्स का यूज करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे बालों को हीट देती हैं, ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती है, जिसकी वजह से भी बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश करो कि आप कम से कम इन चीज़ों का यूज करो। अगर आप इनका फ्रीक्वेंट यूज कर रहे हो, यानी कि आप डेली अपने बालों पे इनका यूज कर रहे हो, तो इनका डैमेज बहुत ही ज़्यादा होगा आपके बालों पर। और अगर आप इनको मंथ में एक से दो बार, दो से तीन बार यूज कर रहे हो, तो आपके बालों पे ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। इसलिए कोशिश यही करो कि अपने बालों को नेचुरली आप सुखाओ। और अगर आप इनका यूज कर भी रहे हो, तो अपने बालों में सीरम का अप्लाई कर लो, या फिर आप हीट प्रोटेक्टेंट्स का अप्लाई कर लो, जिससे आपके बालों में हीट ना आ पाए और आपके बालों का जो मॉइस्चर है वो बना रहे। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना पड़ता है, जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता है, और इनके वजह से हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। लाइक जब हम बाहर जाते हैं तो ये पॉल्यूशन, ये सन का ओवर एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें भी आपके बालों को डैमेज करते हैं। जिस तरह से आप अपने फेस को सन के रेज से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाते हो, अपने फेस पर स्टॉल बांधते हो, उसी तरीके से आपको करना है कि अपने बालों में सीरम लगाना है, या फिर अपने बालों को एक स्टॉल या स्कार्फ से प्रोटेक्ट करना है बाहर निकलने से पहले। तो आपको धूप से और पॉल्यूशन से अपने बालों को बचाना है, जिस तरीके से आप अपने स्किन को बचाते हो, इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। तो ये सारी टिप्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे टिप्स और DIYs हैं जो आप अपने बालों पर अप्लाई करके अपने बालों को हेल्दी बनाए रख सकते हो, अपने बालों की केयर आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो मैं आपको एक ऑडियो बुक सजेस्ट करना चाहूँगी, जिसका नाम है हेयर केयर रेमेडीज़, जो आप कुकू FM ऐप पर सुन सकते हो। और इसमें आपको ढेरों हेयर केयर रेमेडीज़ के बारे में जानने को मिलेगा। और अगर आप भी हेल्दी बाल चाहते हो, अपने बालों की केयर करना चाहते हो, देन इस ऑडियो बुक को सुनकर समझकर बहुत सारी नॉलेज आप गेन कर सकते हो, जिससे आप अपने बालों की बहुत ही अच्छी केयर कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने बालों की केयर करना तो चाहते हैं, बट जानते नहीं है कि हम अपने बालों की केयर कैसे करें। तो ऐसे में ये जो हेयर केयर रेमेडीज ऑडियो बुक है, इसको सुनकर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, अपने बालों की केयर कैसे करनी है ये आप जान सकते हो। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 1000 घंटे से भी ज़्यादा की ऑडियो लाइब्रेरी आपको मिल जाएंगे। कुकू FM पर आपको और भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे, जिनको आप सुनकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हो, सीख सकते हो, जिन्हें आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हो। इन सारी ऑडियो बुक्स को रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल कराया गया है, जिसके वजह से आप इसे अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। कुकू FM पर आपको ऑडियो बुक्स की समरीज भी मिल जाती हैं। और गाइज, आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर आई हूँ, जो मेरे फर्स्ट 250 यूजर्स होंगे जो इस ऐप को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करेंगे, उनको इस ऐप के सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ मिलेगा। मतलब जहां आपको पहले 399 रुपीज़ लग रहे थे, वहां आपको अब सिर्फ 199 ही देना पड़ेगा। और ये ऑफर
पहले 250 यूजर्स यानी कि 250 यूजर्स के लिए ही है। इसके लिए आपको बस मेरा कूपन कोड SNP50 यूज करना होगा। तो गाइज देरी मत करो, जल्दी से आप इस ऐप को डाउनलोड करके आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो ये सारे रीजंस हो गए जिनके वजह से आपके बालों में स्प्लिट एंड्स आते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपनी डे टू डे लाइफ में। कोई भी गलती आपको नहीं करनी है जिससे आपके बालों में स्प्लिट एंड्स आएँ। बट अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ऑलरेडी आपके बाल स्प्लिट हो चुके हैं, तो अब बात करते हैं उसकी कि हम कैसे अपने बालों से उन स्प्लिट एंड्स को रिमूव करें और कैसे अपने बालों को इस तरह से प्रोटेक्ट करें कि उनमें स्प्लिट एंड्स आगे हों ही ना। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है कि आपको अपने बालों में आ चुके स्प्लिट एंड्स को कट करके हटाना है। देखो स्प्लिट एंड्स को हटाने का आपने इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे बहुत सारा तरीका देखा होगा, DIYs देखे होंगे कि आप ये लगा लो वो लगा लो स्प्लिट एंड्स गायब हो जाएंगे। बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता। आप ही बताओ कि जो चीज़ सिंगल से वो डबल हो गई है तो वो डबल से सिंगल कैसे होगी। अब बताओ ये पॉसिबल है कि जो चीज़ एक बार स्प्लिट हो गई है, हमने किसी चीज़ को स्प्लिट कर दिया, वो फिर अपने आप कैसे जुड़ जाएगी। दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने बालों को कट कर दो। जी हाँ, आपको अपने बालों से स्प्लिट एंड्स को रिमूव करने के लिए अपने बालों को कट करना ही पड़ेगा। सच में अगर आप लंबे हेल्दी और सिल्की शाइनी स्ट्रॉन्ग बाल चाहते हो तो आपको ये फर्स्ट स्टेप करना है कि आपको अपने बालों को आज के आज या फिर कल के कल कट करना होगा। तो ट्रिमिंग कैसे करनी है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपने बालों को बीच से दो भागों में डिवाइड कर लेना है एंड बालों को अच्छे से डिटैंगल कर लेना है। इसके बाद हम बालों के टिप को ट्रिम करेंगे, ज़्यादा नहीं, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ बस इतने से बाल ही आपको ट्रिम करने हैं। आपको मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को कट करना है, इससे बड़ी आसानी से आपके बाल कट हो जाएंगे। क्योंकि मैं कैमरे के सामने खड़े होकर बालों को कट कर रही हूँ इसलिए मेरे थोड़े से बाल छूट जा रहे हैं, बट बाद में मैंने इनको मिरर के सामने जाकर मिला लिया है। ट्रिमिंग आप खुद से भी कर सकते हो और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो ट्रिमिंग आप पार्लर में जाके करवा लो। उनको बस आप ये बोलना कि मुझे हेयर ट्रिमिंग करवानी है, थोड़े से बाल मुझे कट करवाने हैं। और अगर आप खुद से करना चाहो तो खुद से भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। बस आपको अपने बालों को आगे की तरफ लाना है और इस तरह से फिंगर की हेल्प से उनको पकड़ना है और बस कट कर देना है। बड़ा ही आसान होता है बालों को ट्रिम करना, आपको बस मिरर के सामने खड़े होकर ये काम करना है। तो इस तरीके से आपके हेयर ट्रिम हो जाएंगे, आपके टिप्स पे जो स्प्लिट एंड्स है वो रिमूव हो जाएंगे। अब अगर आपके पूरे बालों में स्प्लिट एंड्स हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने पूरे हेयर्स को इस तरीके से उसको ट्विस्ट करना है एंड देन जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ सीजर की हेल्प से जो बाल बाहर निकले हुए हैं उनको थोड़ा थोड़ा कट कर देना है। इस तरीके से आप पूरे बालों में जो स्प्लिट एंड्स हैं उनको रिमूव कर सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स है तो आप बालों का थोड़ा थोड़ा सेक्शन लो, उनको इस तरीके से ट्विस्ट करते जाओ और छोटी सी सीजर के हेल्प से आप इन सारे स्प्लिट एंड्स को रिमूव कर लो, इनको कट करके हटा दो। थोड़ा सा मेहनत लग सकता है आपको इस प्रोसीजर में, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इसके बाद आपके हेयर बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्मूथ, सिल्की और शाइनी दिखेंगे। तो इस तरीके से आप अपने पूरे हेयर्स को स्प्लिट एंड से फ्री कर सकते हो। और ये चीज़ आपको हर 2 महीने पे करनी है, ऐसा नहीं कि अभी कर लिया और साल भर के लिए निश्चिंत हो गए अब सिर्फ बाल बढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आपको हर 2 से 3 मंथ पर ये सारा रूटीन फॉलो करना है। तो पहला स्टेप हो गया अपने बालों को सुंदर बनाने का, ट्रिमिंग करवा ली हमने, कटिंग करवा ली हमने। अब आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई पहले उन सब बातों का ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो आपको क्या करना है कि अपने बालों की प्रॉपर मसाज करनी है विद कोकोनट ऑयल। हाँ, आपको कोकोनट ऑयल का यूज करना है। कोकोनट ऑयल आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके स्कैल्प को, आपके बालों को ये मॉइस्चर देता है, आपके बालों को नरिशमेंट देता है जिससे आपके बालों में स्प्लिट एंड्स नहीं हो पाते हैं। तो आपको कोकोनट ऑयल का यूज करना है। आप कोई भी वर्जन कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हो, आपको बस थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है, उसको हल्का सा गर्म करना है और उससे अपने बालों पे अप्लाई करना है और 10 मिनट तक मसाज करनी है। आपको वीक में 2 दिन करना है इस चीज़ को, जैसे नॉर्मल हेयर ऑयलिंग आप करते हो वैसे ही करना है। बस आपको कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल के तेल का यूज करना है और अपने बालों के लेंथ पर भी आपको कोकोनट ऑयल अप्लाई करना है। बहुत लोग बस स्कैल्प पर अप्लाई करते हैं,
बट नहीं, आपको अपने बालों की लेंथ पर, अपने बालों के टिप पर कोकोनट ऑयल अप्लाई करना है। और जी, अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है तो आप कुछ हेयर मास्क भी अपने बालों पर लगा सकते हो, जिससे आपके बाल स्मूथ बने रहें, उनमें मॉइस्चर बना रहे, नरिशमेंट बना रहे, जिससे आपके बालों में फर्दर कोई स्प्लिटेंट्स की प्रॉब्लम ना हो। अभी के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसे ही एक हेयर मास्क का अप्लाई कर सकते हो अपने बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी और नरिश रखने के लिए, जिसमें आपको यूज करना है बस हनी और ऑलिव ऑयल का। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए शहद यानी कि हनी। आपको 2 चम्मच हनी लेना है और इसके साथ आपको मिक्स करना है 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑलिव ऑयल ले सकते हो। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। तो बालों को पहले डिटैंगल करना है, बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड करना है और थोड़े थोड़े से बाल लेकर अपने पूरे बालों की लेंथ पर आपको इस हेयर मास्क को अप्लाई करना है। ध्यान रहे कि बालों को टिप्स पर ज़्यादा अच्छे से अप्लाई करोगे, क्योंकि जो स्प्लिट एंड्स हैं वो ज़्यादा टिप्स पर ही आते हैं, बालों के एंड्स पर ही आते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पूरे बालों की लेंथ को कवर कर लोगे इस हेयर मास्क से। इस हेयर मास्क को आप अपने बालों पर 20 मिनट के लिए छोड़ दोगे और इसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो किसी भी शैम्पू से। इस हेयर मास्क को आपको मंथ में 2 बार अपने बालों पर अप्लाई करना है और तभी इसका रिज़ल्ट आपको मिल पाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आपने अपने बालों से स्प्लिट एंड्स को काट करके हटा दिया है तभी इस हेयर मास्क को अपने बालों पर अप्लाई करना। इसको कंटिन्यूस अप्लाई करने से आपके बालों में स्प्लिट एंड्स आना बंद हो जाएगा और आपके बाल पहले की तरह सिल्की, शाइनी हो जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारे टिप्स समझ में आए हो, आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आपके रिप्लाई देने का, बट अगर नहीं दे पाऊँ तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कर लेना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ बना सकूँ। तो चलो, मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।